हेलो दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हो प्लेइंग 11 यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं अफगानिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच जो ट्राई सीरीज का T20 मुकाबला खेला जाएगा उसके बारे में। तो दोस्तों फुल डिटेल के साथ बात करेंगे। सबसे पहले आपको नोट्स पे लेके चलता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा। आफ्टर टॉस जो भी चेंज होगा दोस्तों आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और बिल्कुल आपके लिए फ्री है। तो ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर लिंक काम नहीं करता है तो आप अपने टेलीग्राम चैनल पे जाने के बाद सर्च कर सकते हो Dream11 टीम्स। जैसे ही आप सर्च करोगे प्लेइंग 11 नाम से इस लोगों के साथ मेरा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। बात करते हैं दोस्तों मुकाबले की, लेकिन उससे पहले जो भी भाई हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं उन सभी को दिल से धन्यवाद। अगर आपको भी वीडियो पसंद आता है, टीम बनाने में हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। बात करें दोस्तों मुकाबले की, तो मुकाबला जाहूर अहमद चौधरी स्टेडियम में खेला जाएगा। पिच कंडीशन की बात करें तो दोस्तों पिच न्यूट्रल रहने वाली है। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं 160-165 का जो स्कोर है वो एक विनिंग स्कोर बन सकता है। ओवर स्कोर की बात करें तो दोस्तों 143 सेकेंड इनिंग का ओवर स्कोर 125 का रहता है। हाइएस्ट टोटल दोस्तों ग्राउंड पर 196 का बनाए, सबसे कम स्कोर दोस्तों यहाँ पर 39 का रहा है। इसके अलावा दोस्तों हाइएस्ट चेज 190, सबसे कम डिफेंड जो स्कोर यहाँ पे किया गया है वो यहाँ पे दोस्तों 141 का रहा है। लास्ट मुकाबला जो यहाँ पे खेला गया है दोस्तों बांग्लादेश जिम्बाब्वे के बीच, बांग्लादेश ने 175 का स्कोर लगाया, जवाब में बांग्लादेश की जो टीम है वो यहाँ पे 136 रनों तक रह गई थी। बात करें दोस्तों सबसे पहले जिम्बाब्वे की पॉसिबल प्लेइंग 11 की, तो आपको बता दूं यहाँ से दोस्तों हैमलिंटन मार्शाकार्ड और ब्रेंडन टेलर दोनों ओपन करने वाले हैं। दोनों ही दोस्तों ओवरेज प्रदर्शन करते आ रहे हैं, तो आप इन दोनों को अपनी टीम में लेके चल सकते हो। इसके अलावा दोस्तों चकबाबा या फिर इरविन में से कोई एक खेलेगा। सैन विलियमसन 4 नंबर पर बैटिंग करेंगे, प्लस दोस्तों आपको 2-3 ओवर बॉलिंग भी करते हुए मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो यहाँ से मुत्थू बाजी आपको खेलते हुए नजर आएंगे, रियान बुरल, मुत्थू बामी, जो कि दोस्तों पिछले मुकाबले में इनको मौका मिला है और यहाँ पे इन्होंने 54 रनों का एक बढ़िया इनिंग खेली थी। इसके अलावा दोस्तों अनिले नेब्लो है, काइल जर्विस, मोपुआ मेंडजीवा और टेंडी चटारा आपको इस मुकाबले में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मेडजीवा या फिर टेंडी चटारा में इसको एक प्लेयर खेलेगा, जो भी यहाँ पे खेलेगा दोस्तों टॉस के बाद आपको क्लियर टेलीग्राम पे बता दिया जाएगा। बात करें दोस्तों अफगानिस्तान टीम की, तो हसमतुल्ला जजाई और यहाँ पे दोस्तों गुरबाज दोनों ओपन करने वाले हैं। ताराकाई 3 नंबर पे बैटिंग करेंगे, असगर अफगान दोस्तों 4 नंबर पे बैटिंग करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों नाजिबुल्ला जादरान काफ़ी बढ़िया फॉर्म में नजर आ रहे थे, जो फर्स्ट मुकाबला इन्होंने खेला उसमें इन्होंने दोस्तों 69 का स्कोर किया, सेकेंड मुकाबले में दोस्तों इन्होंने 5 का स्कोर किया, लेकिन काफ़ी बढ़िया फॉर्म में, आप इस प्लेयर को जरूर से ट्राई कर लीजिएगा। मोहम्मद रबी दोस्तों पिछले मुकाबले में 84 का स्कोर करके आ रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट पिक बन सकती है। इसके अलावा दोस्तों गुलबदीन नाइब, करीम जन्नत, राशिद खान, मुजीबुर रहमान और फरीद मलिक आपको इस मुकाबले में खेलते हुए मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये तो बात होगी दोनों ही टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 की, अभी बात करते हैं Dream11 टीम की। Dream11 की टीम से पहले दोस्तों देख लेते हैं बैटिंग और बॉलिंग लीग की टीम, जो कि दोस्तों आपको बता दूं आप बल्लेबाजी प्लस माई फेव 11 ऐप दोनों पे यूज कर सकते हो। दोनों पे अगर आप नहीं खेल रहे हो तो खेलना स्टार्ट कर दीजिएगा। दोनों ही ऐप का लिंक और रेफर कोड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बैटिंग लीग की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ब्रेंडन टेलर को कैप्टन, वॉइस कैप्टन, यहाँ पे दोस्तों एन जादरान को ट्राई किया है। इसके अलावा दोस्तों गुरबाज और असगर अफगान और हैमलिंटन मार्शाकार्डा को अपनी टीम में लेकर चल रहा हूँ। बॉलिंग लीग में बात करें तो दोस्तों यहाँ पे बॉलिंग लीग में मैं आपको बता दूँ राशिद खान कैप्टन, काइल जर्विस वॉइस कैप्टन, मिर्जीवा को ट्राई किया, फरीद मलिक और एम जादरान को अपनी टीम में लेके जा रहा हूं। मुजीब उर रहमान की बात हो रही है यहां पे। इसके अलावा दोस्तों मिर्जीवा की जगह अगर टेंडी चटारा को मौका मिलता है तो वो भी आपको अपडेट करके टेलीग्राम में बता दिया जाएगा। तो काफी अच्छी ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, साइनअप नहीं कर रखा है तो जरूर से साइनअप कर लीजिएगा। दोनों ऐप का लिंक और रेफर कोड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी दोस्तों बात कर लेते हैं कि किस तरीके का आप टीम कॉम्बिनेशन बना के चल सकते हो Dream11 में। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं विकेट कीपिंग ऑप्शन से। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। विकेट कीपिंग में दोस्तों ब्रेंडन टेलर, गुरबाज दो ऑप्शन अवेलेबल है और दोनों के साथ मैं इस मुकाबले में ट्राई कर रहा हूं। चकबाबा की बात करें तो दोस्तों आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि आपको इस मुकाबले में खेलते हुए नज़र आ सकते हैं, तो आप इस प्लेयर को अगर चाहो तो मेगा कॉन्टेस्ट में ट्राई कीजिएगा। स्मॉल लीग के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करने वाला हूँ।
बात करें दोस्तों बैटिंग सेक्शन की तो हैमलिंटन मार्शाकाल्डा, एसगर अफगान और नाजिबुल्ला जादरान इन तीन प्लेयरों के साथ ट्राई कर रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों आपके लिए मुथु बामी एक ऑप्शन है, आप इस प्लेयर के साथ ट्राई कर सकते हो। जजाई आपके लिए ऑप्शन है दोस्तों, जजाई के साथ जा सकते हो। और तारा काई को अगर आप ट्राई करना चाहो तो तारा काई को ट्राई कर सकते हो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों स्मॉल लीग में मार्शाकाल्डा, एसगर अफगान, नाजिबुल्ला जादरान ये तीन प्लेयर आपके लिए बेस्ट रह सकते हैं। आप चाहो तो इनकी जगह दोस्तों मुथु बामी या फिर दोस्तों हसमतुल्ला जजाई या तारा काई जिस भी प्लेयर को लेके आना चाहो आप यहां से दोस्तों मार्शाकाल्डा की जगह रख सकते हो। बात करें दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन की तो यहां पे मैंने सैन विलियमसन, मोहम्मद नबी, इसके अलावा दोस्तों रियान बुरल इन तीन प्लेयरों को ट्राई किया है। स्मॉल लीग में आप चाहो तो दोस्तों गुलबदीन नाइब या फिर मुथु बाजी में से किसी एक प्लेयर को लेकर चल सकते हो अपनी चॉइस के आधार पर। आपको बता दूँ दोस्तों आप यहाँ पे गुरबाज को आप हटा सकते हो, ब्रैंडन टेलर को हटा सकते हो, उनकी जगह दोस्तों आप गुलबदीन नाइब या फिर मुथु बाजी में से किसी एक प्लेयर को लेके आ सकते हो। बात करें दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में तो राशिद खान, काइल जर्विस, इसके अलावा दोस्तों मैंने यहाँ से ट्राई किया है मुजीबुर रहमान को आपके लिए जो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन बन जाते हैं। मर्जीवा इस मुकाबले में खेल सकते हैं दोस्तों, आप इस प्लेयर को ट्राई कर सकते हो। और आपको बता दूँ दोस्तों यहाँ पे मर्जीवा या फिर टेंडी चटारा में से कोई एक प्लेयर खेलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो यहाँ पे फरीद मलिक आपके लिए एक ऑप्शन, आप इस प्लेयर को स्मॉल लीग में लेके चल सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए दोस्तों मैं केवल तीन प्लेयर राशिद खान, काइल जर्विस, इसके अलावा दोस्तों मुजीबुर रहमान इनके साथ ट्राई कर रहा हूँ। बात करें दोस्तों कैप्टन वॉइस कैप्टन की तो कैप्टन मोहम्मद नबी, वॉइस कैप्टन सैन विलियम्स को ट्राई किया है। आप चाहो तो दोस्तों यहाँ पे अपने कैप्टन वॉइस कैप्टन चेंज करके ब्रेंडन टेलर को भी लेके आ सकते हो, या फिर दोस्तों आप कैप्टन सैन विलियम्सन, वॉइस कैप्टन मोहम्मद नबी के साथ भी ट्राई कर सकते हो। और जो भी आप यहाँ पर अपनी मर्जी के हिसाब से चेंज करना चाहो बिल्कुल से इस मुकाबले में चेंज करके चल सकते हो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर से बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।